नमस्कार दोस्तों, मैथिली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपनी रेसिपी में आज बनाएंगे गाजर की बर्फी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए हम चलते हैं, पहले खेत में गाजर को खोद लेते हैं। तो हम नलिया ले लेती हूँ और एक खुरपी, इसी से हम गाजर को उखाड़ेंगे। चलिए हम खेत में चलते हैं। दोस्तों, हम खेत में आ गए हैं। ये देखिए, गाजर बोया हुआ है, वो थोड़ा ही बोया हुआ है, हमने थोड़ा ही बोया है। तो इसी में से हम गाजर को खोद लेती हूँ। इस तरह से खुरपी के सहारे से हम गाजर को खोदूँगी। ये गाजर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पड़ा है। गाजर जो है सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो हम अपने ज़रूरत भरे का ही गाजर उखाड़ेंगे, जितना हमें आवश्यकता होगी। गाजर को तो आपने हलवा बहुत ही खाया होगा, तो हम आज आप लोगों को बर्फी बनाकर दिखाएंगे किस तरह से बर्फी बनता है। देखिए दोस्तों, हमने ज़रूरत भरे का गाजर को उखाड़ ली हूँ। अब हम इसे लेकर चलेंगे घर। तो दोस्तों, हम चलते हैं घर। देखिए, इधर धनिया कितनी अच्छी फूली हुई है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो हम चलते हैं घर पे। दोस्तों, गाजर को हम घर पे लेकर आ गई हूँ। उसकी पत्तियों को हम तोड़ लेती हूँ, इस डलिए में रख देती हूँ गाजर को। इस तरह हम सभी गाजर के पत्तियों को तोड़ लूँगी। तो इसी तरह से हम गाजर को अच्छे से इसी तरह से हाथ से रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, इसकी मिट्टी जो लगी हुई है। गाजर को हमने अच्छे से धो लिया है, अब इसे हम चलते हैं रसोई में। तो गाजर का हम ये ऊपर का भाग और नीचे का भाग इस तरह से हम काट लेती हूँ। सभी गाजरों को इसी तरह हम काटूंगी। सभी गाजरों को मैंने, इसका ऊपर का भाग है मैंने काट लिया है। तब मैं इसे छिलने के सहारे से इसे कद्दूकस करूँगी। इस पतला वाले से नहीं करूँगी, जो मोटा वाला है इसी से मैं गाजर को घिस कर छिल लेती हूँ इस तरह से। देखिए, बहुत अच्छा छिला रहा है, इसी से हम घिस कर छिल लेती हूँ। इस तरह हमने सभी गाजर को कद्दूकस इस छिलने से कद्दूकस कर लिया हूँ, इसे हम रख देते हैं। तो मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। तब मैं आप सबको सामग्री दिखा देती हूँ बर्फी बनाने के लिए। तो मैंने 1 किलो गाजर लिया हूँ, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1 किलो चीनी, 1/2 लीटर दूध है, 100 ग्राम देसी घी है, 3 इलायची छोटी इलायची है। तो मैंने कुछ बादाम लिया है, काजू लिया है, मखाना है, एक किशमिश है, हमने थोड़ा थोड़ा लिया है। आप चाहे तो अपने अनुसार और भी ले सकते हैं। तो हम इन्हीं सब सामग्री से हम आज बनाएंगे गाजर की बर्फी। तो हम चलती हूँ चूल्हे में, आग को जलाती हूँ। मैंने चूल्हे में आग को जला दिया है, अब इस पर रख देती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें हम डालती हैं देसी घी, घी गर्म हो चुका है। इसमें हम गाजर को डालकर, गाजर को हमने कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर गाजर हमको हमने 5 मिनट तक भूना है बहुत अच्छे से। देखिए, इसका पानी भी सूख गया है, इसका कलर भी देखिए, एकदम कलर जिसका इसका बदल चुका है, लाल कलर में था एकदम पीला हो गया है, एकदम भरभरा हो गया है। इसे हम चूल्हे से उतार देती हूँ। गाजर को हम इस बर्तन में से निकाल लेती हूँ। ये दोस्तों, अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैं कढ़ाई को चूल्हे पर रख देती हूँ। कढ़ाई में हमें चीनी को डाल देती हूँ। ये दूध लिया था उसे भी डाल देती हूँ। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसी दूध से ही चाशनी को तैयार करेंगे। इसे हम 2 मिनट तक ऐसे से चलाएंगे, चीनी जो है हमारा कढ़ाई में चिपक जाएगा। ये हमारे चाशनी में उबाल आ गया है, इसे हम कम से कम 1/2 घंटा तक अच्छे से उबालेंगे। फिर चाशनी में हमारे उबाल आ चुका है, कम से कम हम इसे 10 मिनट तक उबालेंगे।
अब हमारी चाशनी तैयार होगी। हमने 10 मिनट तक अच्छे से उबाल लिया है। देखिए हमारी चाशनी लगभग तैयार हो चुकी है। हम देख लेते हैं हमारा चाशनी जो हो तैयार है कि नहीं। हम इस तरह हाथ से देख लेते हैं, लेकर देख लिया है। देखिए बहुत अच्छा से गोला बन चुका है। अगर आप हाथ से नहीं देखना चाहते हैं तो इस तरह से कटोरी में पानी ले लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा अब डाल देंगे तो अच्छे से ये आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए हम दिखा लेते हैं आप सब। देखिए इस तरह से हमने पानी में इसे डाल दिया था। देखिए इस तरह से गोला बन गया है। तो हमारी चाशनी एकदम तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम जो मैंने गाजर को अच्छे से भून के रखा है, गाजर को सभी गाजर को इस कढ़ाई में डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से मिला देते हैं। हमने गाजर को अच्छे से मिला दिया है। देखिए जो हमने चाशनी तैयार की हुई थी, चाशनी हमारी तैयार थी, लेकिन गाजर को हमने डाला, गाजर में जो पानी था इसका, देखिए ये चाशनी कुछ ढीली हो गई है, पतला हो गया है। इसे हम और 5 मिनट पकाएंगे। देखिए जो गाजर का पानी था एकदम से सूख चुका है। देखिए एकदम से अच्छा से पक चुका है। बहुत अच्छा से हमारी मिठाई बहुत अच्छी बनेगी। अब इसमें जो सामग्री ली थी इसे हम डाल देती हूँ। जो मैंने इलायची ली थी इसे अच्छे से कूट ली हूँ। इसे मैं डालकर अच्छे से मिला देती हूँ। जो मैंने ये मेवे काटे हुए हैं इसे भी डालकर मिला देती हूँ। देखिए हमारा मिठाई जो है बहुत अच्छा बन गया है, एकदम से तैयार हो चुका है। कि खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। दोस्तों आप लोग भी एक बार इसे ऐसे बनाकर ज़रूर खाइएगा और कमेंट कर हमें बताना ज़रूर आपको कैसा लगा। हमें तो बहुत अच्छा दिख लग रहा है। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताना। कढ़ाई को हम चूल्हे से उतार देती हूँ। इसे हम 2 मिनट ठंडा होने देती हूँ, तब इसे हम दूसरे बर्तन में पलटूंगी। 2 मिनट हो चुका है। देखिए अब ठंडा हो चुका है, अब एकदम से पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। अब इसे हम इस थाली में थोड़ा सा घी लगा देती हूँ ताकि हमारा जो है बर्फ़ी अच्छे से चिपके ना, आसानी से छोड़ देगा। इस तरह से फैला कर लगा देती हूँ। हम थाली में रख कर फैलाएँगे कि दोस्तों हमारा बर्फ़ी एकदम तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा से बना है। तो गाजर तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। तो हम बर्फ़ी बना दिए हैं, तो इसे आप चाहे तो एक महीने 2 महीने भी रख कर खा सकते हैं। बहुत अच्छे से चाकू के सहारे से हम इस तरह से इसे काट देती हूँ कि बहुत अच्छा कट रहा है। इस तरफ से मैंने काट लिया है, इसी तरह इस तरफ दोनों तरफ से मैं काटूंगी एकदम बर्फ़ी की तरह। इस तरह से हमने बर्फ़ी को बहुत अच्छे से काट लिया है। अब आप सबको निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा निकल रहा है, वो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए क्या शानदार बर्फ़ी है दोस्तों। बर्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इस तरह से बनाकर चाहे तो एक महीने 2 महीने खा सकते हैं। गाजर जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसे आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद करता है गाजर। दोस्तों हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।